हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे व्यूवर्स आपके पर्सन के राइट नाउ आपको लेके क्या थॉट है, क्या फीलिंग है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के राइट नाउ आपको लेके क्या थिंकिंग है, क्या थॉट है, क्या फीलिंग है। आप अपने पर्सन का नाम मनी मंथ और आइए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के करंट थॉट क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। वो अपनी लाइफ में किस सिचुएशन में है, प्लीज़ वो हमें वो भी बताएं। ओके, सो वी हैव 36, 8, नंबर 24, नंबर 13, ओके, नंबर 43, नंबर 30 एंड नंबर 45। बॉटम से आ रहा है 39 नंबर की एनर्जी। ओके, सो ये हैं आपके कार्ड्स आपके सामने, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज मिल रही हैं। वो दिखाई दे रही है कि हाउ टू हील द सिचुएशन, ठीक है। अब ये सिचुएशन कौन सी सिचुएशन है, किसको हील करने की बात हो रही है, वो यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने कोई स्टेप लिया, इन्होंने ये सोचा था कि ये स्टेप लेना मेरे लिए बेहतर रहेगा और इससे मेरी लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ये इन्होंने बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रिपरेशन के, बिना सोचे कि इनका ये स्टेप इनको फ्यूचर में कहाँ लेके जा सकता है, इस व्यक्ति ने कोई स्टेप लिया और उसके बाद में इन्होंने अपनी लाइफ में वो देखा जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो था कंप्लीट एंड, ठीक है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आज अपने एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे मुझे भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस इतना बड़ा होगा ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था। दो सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। पहला है ब्रेकअप एंड यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप किया, आपके रिश्ते को एंड किया। इनको लगा कि यही करना इनके लिए बेहतर है क्योंकि इनके लाइफ में कोई अनदर पर्सन या तो आता है या फिर अपनी फैमिली के लिए ये ऐसा करते हैं। क्योंकि मैंने बोला दो सिचुएशन है यहाँ पे, एक थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई मैं थर्ड पार्टी से प्यार करती हूँ या करता हूँ और मुझे उसके साथ में रहना है, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, आई डोंट वॉन्ट दिस कनेक्शन। और वो आपके साथ में आपके पर्सन कनेक्शन एंड करते हैं और वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो आज व्यूअर्स यहाँ पे इस पर्सन को मिला क्या, ये मिला, ये देख रहे हो एनर्जी, ये एनर्जी इसमें आपके पर्सन है जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में, ये अपनी लाइफ में क्या देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दूसरी एनर्जी जो यहाँ पर है वो क्या दिखाती है, मे बी आपके पर्सन ने आप ही के लिए, ठीक है, ये दूसरे लोगों के लिए है, आप समझ जाओगे जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, कि इन्होंने ये सोचा था कि जैसे इन्होंने किसी से डिस्कस किया, मे बी आपसे ही डिस्कस किया हो, ठीक है, कि यार क्या करना चाहिए, शादी करनी है, दूसरे के साथ में एक दूसरे का होना है, तो ये डिसाइड किया गया कि यार परिवार वालों से बात करते हैं, ठीक है, फैमिली में शो कर देते हैं और देखो करना तो पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, बात करके तो देखते हैं। बात करना ही खतरनाक हो गया, फैमिली वालों ने सीधे सीधे बोल दिया कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकते, जैसे कि सब अगेंस्ट में हो गए। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब कनेक्शन को लेके जो होप थी मरी, बची कुची वो भी मर गई, ख़त्म हो गई। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर आज यहाँ पे यही देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब मैंने देखो दोनों तरह से सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करूँ, ठीक है, अब ये तो हो गया, गड़बड़ तो हो गई बहुत कुछ। अब जो था पास पल्ले, जो उम्मीद थी, जो भी कुछ था इनके पास में, अब वो इनके पास में नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन समझ में नहीं आ रहा कि यार इन्होंने ये चांस लेके गलती करी है, सही करा, क्या लेना चाहिए था, क्या कर लिया, क्या था, क्या हो गया, सब कुछ उलट पुलट हो गया। तो ये व्यक्ति यहाँ पे राइट नाउ एक रिग्रेट में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है, नो डाउट, ऐसी सिचुएशन जब इंसान टेंशन में होता है ना और हीलिंग में चल रहा है, सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस सिचुएशन को अब कैसे डील करूँ, क्योंकि रास्ते नहीं नज़र आ रहे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान ट्रैप है, अब ना तो वो इधर का है ना वो उधर का है,
ना आगे आगे कुआ पीछे खाई वाली एनर्जी हो गई। अब परिवार वालों को पता चल गया, आपके साथ में भी ब्रेकअप हो गया, ठीक है, और उधर भी कुछ नहीं बचा। दूसरी साइड सो दे वॉन्ट समवेयर, देर इज अ सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन की स्थिति यहाँ पे यही है, ना तो पीछे हट सकते हैं ना ही आगे बढ़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे कोई सोल्यूशन नज़र ही नहीं आ रहा। चाहते क्या है, हीलिंग, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई भी। सो मैं आपकी तरफ से देखती हूँ आपके पर्सन की आपको लेके क्या इंटेंशन और फीलिंग आ रही है। ये इनकी लाइफ का करंट फेज है जो चल रहा है, ये बड़े परेशान है राइट नाउ आपके पर्सन, ठीक है। यस दे आर वेरी वेरी सैड। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग क्या है, वो इनको किस तरह से देख रहे हैं, वो इनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज़ वो हमें बताएं। टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, The Hangman, Devil, bottom से आ रहा है Four of Sword, ठीक है, with the King of Sword की एनर्जी है। राशि की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एरीज लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, राशि सारी आ जाती है। ओके देखो व्यूअर, जो से मैंने अभी आपको बोला कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में क्या है, ये हीलिंग चाहते हैं, और मतलब जैसे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। अभी ये पर्सन खुद यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आई है विद द टू ऑफ वैंड्स के साथ में, जहाँ पर इस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी लाइफ में ये हो क्या रहा है, अब मैं कुछ करने के लायक स्थिति में हूँ भी या नहीं हूँ, कोई सोल्यूशन है मेरी प्रॉब्लम का, ठीक है। जैसे कि कोई सोल्यूशन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि कहते हैं ना पूरी दुनिया में ये खुद अपने आप को अकेला सा महसूस कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, ये जो व्यक्ति हैं ये इस वक्त आपसे कम्युनिकेशन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पे दूसरी वाली जो सिचुएशन मैंने देखी थी ना, जिसमें आपके पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, ये उस सिचुएशन में नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले तो गए, आपसे रिलेशनशिप एड तो कर लिया, बट अपनी लाइफ में ये खुद अपनी लाइफ में प्रॉब्लम में आ गए हैं, ठीक है। तो ये आपसे बात करने के बारे में सोच तो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में आज भी आप हो, आज भी आपकी तरफ मुझे नज़र आता है, जैसे कि इनको फील होता है कि हाँ इन्होंने गलत किया है और इनको रिटर्न बैक हो जाना चाहिए आपकी लाइफ में, राइट। तो ये स्थिति व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आती है, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूँगी, जैसे चाहते तो हैं आपके साथ में कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, लेकिन कुछ एनर्जी गाइज यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन मतलब जो सिचुएशन में ट्रैप है, जिस सिचुएशन में ये फंस गए हैं, उससे निकलने का इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इस व्यक्ति ने जैसे कि अभी इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर मतलब कि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता ना, तो हम उसे वक्त के हाथों में डाल देते हैं कि वक्त ही होगा जो हमारे कनेक्शन को एक करेगा, हमें एक करेगा। तो एक होप तो है इस व्यक्ति को अगर मैं देखूं आपको लेके, बिकॉज दे लव यू। डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी पजेशन को दिखा रही है कि यार वो खोना नहीं चाहता, ठीक है, किसी भी कॉस्ट पे वो इस चीज़ इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहती है, ठीक है। एक होता लव, जहाँ पे इंसान कहीं ना कहीं नॉर्मल एनर्जी में होता है कि डिवोशनल में, अगर मेरा प्यार है तो मेरे पास लौट के आ जाएगा, ठीक है, मैं वेट करता हूँ या करती हूँ। एक होता है नहीं, कि मुझे सब्र नहीं हो रहा, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, ठीक है, या फिर मैं इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, जैसे यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, ठीक है, मुझे वो व्यक्ति ही चाहिए अपनी लाइफ में, मैं उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, इस तरह की एनर्जीज है। तो राइट नाउ व्यूअर्स आपके लिए मैं अगर देखूँ ना, इस पर्सन को आपको लेके भी एक तरह की ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पर ये आपको पाना भी चाहते हैं, और लेकिन इनके पास में कोई सोल्यूशन भी नहीं है रिटर्न बैक आपकी लाइफ में करने का, आपसे जुड़ने का। और मे बी दिस ये जो एनर्जीज है वो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति इस वजह से आपसे बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर भी है। यहाँ पे दिख रहे हो इस व्यक्ति के ऊपर तीन तलवारें लटकी हुई हैं, तो प्रेशर भी है इस व्यक्ति के ऊपर, मे बी इनकी फैमिली की तरफ से, जो हमने यहाँ पे देखा भी था, ठीक है। फैमिली में मे बी तीन लोग हो सकते हैं जो इनके खिलाफ हो, तीन लोग बहुत स्ट्रांगली हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब ये पर्सन अकेले और इनके ऊपर तीन तीन लोगों की तलवारें लटकी हैं, तो आप समझ सकते हैं व्यूअर्स यहाँ पर ये जो सिचुएशन है,
ओके सो ये तो नज़र आ ही रहा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अगर देखूँ व्यूअर्स तो फीलिंग ये भी दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति को आपका कनेक्शन देखो इसमें फुल ऑफ जैसे कहते हैं ना अबंडेंस वाली एनर्जी नज़र आती है कि हाँ ये पर्सन मुझे वो सारी खुशी दे सकता है या दे सकती है जिसकी मुझे तलाश है, ज़रूरत है। तो इसको इस कनेक्शन में इस व्यक्ति को कम्प्लीटनेस भी नज़र आती है, एक हैप्पीनेस भी नज़र आती है, आपके साथ में बेहतर फ्यूचर भी नज़र आता है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, बट कार्मिक सिचुएशन है तो समवेयर देयर इज अ ट्रैप एनर्जी ऑल्सो। तो आपके पर्सन या तो किसी कनेक्शन में ही ट्रैप है, कुछ लोगों के बीच में ही फंस गए हैं या अपने परिवार में फंस गए हैं। ठीक है, कुछ कार्मिक सिचुएशन में आ गए हैं यहाँ पे, ये तो शॉर्ट शॉर्ट है, जहाँ से निकलना चाह रहे हैं निकल नहीं पा रहे हैं। इवन दो इतनी हिम्मत भी नहीं है इस व्यक्ति की कि किसी को चैलेंज कर सके, ठीक है, कोई एक्शन ले सके, कम्युनिकेट भी कर सके, कम्युनिकेट करने में भी 10 बार सोचना पड़ रहा है इस व्यक्ति को। आप कहोगे यार फोन करने में क्या जा रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहे, देख लो कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कार्ड भी यही दिखाई दे रहे हैं। ये जो व्यक्ति है अपने दिल की बात तक को नहीं बता पा रहे हैं, अपने दिल की बात को दिल में लगा के बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, ये कह ही नहीं पा रहे कि इनको चाहिए क्या, बस चीज़ों को सोचते बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये वो एनर्जीज गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की लाइफ में चल क्या रहा है। सो व्यूअर चलिए देख लेते हैं आपके लिए चैनल मैसेज यहाँ पे क्या आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ के। ठीक है, लेकिन एक बात तो है यहाँ पे आपके पर्सन मुसीबत में ही फंस गए हैं, जो भी कदम इन्होंने उठाया वो इनको मुसीबत में ही फंसा गया है। सो लेट्स सी आपके लिए चैनल मैसेज क्या आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे कहना सुनना चाहते हैं। ठीक है, अवॉइडिंग अवर कनेक्शन, अभी राइट नाउ मैंने बोला पॉज में है, तो अपने कनेक्शन को अभी अवॉइड भी करें, जबकि बात करने की इनके अंदर बहुत इंटेंसिटी है लेकिन फिर भी बात करना अवॉइड कर रहे हैं। ओके सो अभी आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं स्टॉप पुशिंग मी, आई नीड टू मेक माई ओन डिसीजंस ओन चॉइसेस। तो अभी किसी से बात करना इनको सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मे बी ये फैमिली इशूज़ है आपके कनेक्शन में, तो फैमिली को भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको भी नहीं कर सकते। तो देर इज़ ए मैनिपुलेटिव एनर्जी वर्किंग बिहाइंड द सीन, ये बोलूँगी कि ये अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते इस समय आपका इंटरफेरेंस हो किसी तरह का। ठीक है, देर इज़ ए फैमिली इशूज़ ऑल्सो। ठीक है, मैं यहाँ पर वही बोलूँगी क्योंकि ये फैमिली को भी ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई फील ट्रूली। तो आइए अभी एक कनेक्शन को लेके मे बी या तो अपनी फैमिली में ही दोबारा से बात करेंगे या फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन हाँ ये बताएंगे अपनी सिचुएशन के बारे में, ऐसा नज़र आता है। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आपसे भी सारी बातें ही बताएंगे कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, ये सब चीज़ें आपको शेयर करेंगे आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, ऐसा नज़र आता है, इनका दिल आपके लिए हर्ट होता है आपको लेके। समटाइम योर इग्नोरेंस इनको भी इरिटेट करती है। ठीक है, जैसा कि अगर इन्होंने बोला आपसे कि यार स्टॉप पुशिंग मी, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो अभी मुझे मत बोलो ये करने को, तो आपने हो सकता है कि इनसे बात करना बंद कर दिया हो। ठीक है, जैसे कि जो भी सिचुएशन थी इन्होंने बोला और आपने बंद कर दिया, आपने बंद कर दिया तो ये और इरिटेट हो रहे हैं कि यार उन्होंने मैंने एक बार क्या बोला उसने बंद ही कर दिया बात करना, तो ये क्या बात हुई। तो ये भी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है, और आपके पर्सन को राइट ना आपके बहुत ज़रूरत है, बहुत मतलब मिस कर रहे हैं आजकल आपके पर्सन आपको। ओके सो ये व्यूअर्स राइट ना कि आपके पर्सन की एनर्जीज, मैं एक एक्शन देख लेती हूँ आपके लिए, आपके पर्सन के एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये क्या एक्शन लेने वाले हैं इस कनेक्शन को लेके, इनके पार्टनर इस कनेक्शन को लेके क्या एक्शन लेने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड, नाइस, स्ट्रेंथ दिखाएंगे, फिर से हिम्मत दिखाएंगे, बात करेंगे आपसे भी करेंगे, अगर आपके कनेक्शन में इन्होंने आपको ब्रेकअप करके गए हैं तो आएंगे आपसे बात करेंगे इस कनेक्शन को लेके, सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम को, और अगर फैमिली इश्यूज़ है तो ये फैमिली से बात करेंगे इस कनेक्शन को लेके, लेकिन वो आपको ऐसे ही लेट गो नहीं करने देंगे, अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे प्रॉब्लम है तो डील करें,
ठीक है, प्रॉब्लम है तो फेस करने की कोशिश करेंगे, पीठ दिखाने की कोशिश ये व्यक्ति नहीं करेंगे, ये आपके पर्सन कह रहे हैं। ठीक है, सो ये है व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।